फ्रेंड्स वेलकम बैक, आ गया हूँ। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ये तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये भी बताऊंगा कि कितनी लौंग खानी है, लौंग को क्लोव बोलते हैं इंग्लिश में, ये बताने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको इसके तीन बेनिफिट्स बताऊंगा लौंग खाने के, और जो आपको पता होगा उसके बिसाइड्स भी बेनिफिट्स बताऊंगा, और आपको मैं बताऊंगा कि कितनी लौंग खाना है, और साथ ही साथ इसका खाने का सही वक्त भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते जल्दी से वीडियो को, पर स्टार्ट करने के पहले तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करा नहीं है तो कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपको नॉलेज मुझे लगता है पसंद ही आएगा, पर बाद में आप भूल मत जाइए, तो इसलिए पहले ही लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला, लौंग आप दिन के किसी भी वक्त खा सकते हैं, आप सुबह दोपहर शाम और सोने के पहले भी लौंग खा सकते हैं, सबसे पहली चीज़। तो लौंग खाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेकफास्ट के पहले खाना है या डिनर के बाद खाना है या लंच के बाद खाना है, या आप कभी भी खा सकते हैं। दूसरी चीज़, कितनी लौंग खा सकते हैं। एक दिन में आप 2 से 4 लौंग खा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स करेगी, पर मैं आज आपको सिर्फ 3 बेनिफिट्स बताऊंगा। तो लौंग खाने का कोई वक्त नहीं है, आप कभी भी खा सकते हैं। कितना खाना है, 2 से 4 लौंग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लौंग मत खा लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी हीट भी होती है। और एक कहावत जिसकी बात मैं हमेशा करता हुआ है, अति सर्वत्र वर्जय, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी अच्छी चीज़ अच्छी नहीं होती। अब आता हूँ लौंग के बेनिफिट्स पे। सबसे पहला बेनिफिट करती है ब्लोटिंग में, जो जिन लोगों को खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होता है, एसिडिटी होता है या गैस होता है, उस ब्लोटिंग को, एसिडिटी को और गैस को कम करने का काम करती है। इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी बॉडी के ब्लोटिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में गैस या एसिडिटी बनने से रोकते हैं। तो पहला इसका बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है, ये आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में बहुत हेल्प करती है। तो जब ब्लड प्यूरिफाइड होगा तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, जिस वजह से, एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आपका स्किन भी ग्लो करेगा और आपको एनर्जेटिक भी लगेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी में, जैसा मैंने कहा, कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। और ऐसे एंजाइम्स होते हैं इसमें जो आपकी बॉडी में नए सेल्स और टिश्यूज जनरेट करने का काम करते हैं। और तीसरा बेनिफिट, मैं आपको आज एक बेनिफिट एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, क्योंकि तीसरा बेनिफिट जो बताने वाला हूँ वो रिसर्च के थ्रू प्रूव हुआ है कि ये बॉडी में कैंसर जो सेल्स बनते हैं, कैंसर डिपॉजिट सेल्स बनते हैं, उनको भी खत्म करने का काम करता है। और कैंसर की जो संभावना है किसी के भी शरीर में, किसी भी तरह के कैंसर की, उस संभावना को कम कर देता है। और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसकी, जो शायद आप सभी लोग जानते हैं, आपको दांतों में किसी भी तरह का दर्द हो, किसी भी तरह का पेन हो, तो ये लौंग को आप वहाँ पे रख लीजिए अपने पास में, अपने दांतों में। ये आपके दांतों के दर्द को कम करने का काम करता है, और साथ ही साथ जो दांतों में सड़न होती है उसको भी खत्म करने का काम करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको नॉलेज अच्छा लगा हो। नॉलेज अच्छा लगा हो तो अपने चाहने वालों, जिनके से आप प्यार करते हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, उनके साथ इसे शेयर कर दीजिए। और हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आकर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या करना है दोस्तों, अपने आप से प्यार और अपने देश से प्यार, और हाँ, मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।